दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा है, निम्न श्रेणी का लुप्त ज्ञात करें, लुप्त पद यहाँ दे रखा है आपके पास। देखिएगा संख्या किस तरह से लिखी है, 7, 9, 4 और 5 किस तरह से 30 आएगा। हम ऊपर नीचे बाएं दाएं गुणा करना, जोड़ना, भाग देना, डबल करना, आधा करना, कोई भी तरीका लगाइए, 30 लगेगा। इन संख्याओं से 50 लेके आना, इन संख्याओं से क्या आएगा वो आपको उत्तर बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ले सकता हूँ उस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, चारों बाहर वाली संख्याओं को मैं यदि जोड़ता हूँ तो 7 + 9 + 4 + 5, 5, 4, 9, 9, 18, 7, 25 होता है। कितना होता है दोस्तों? 25। जबकि मेरे पास क्या था? 30 था। तो दोस्तों 30 कैसे आएगा? कुछ कहेंगे 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ के देखते तब भी ये कंडीशन नहीं आ रही। 17 + 8 + 4 तो क्या लिखा हम दोस्तों दूसरे में, 17 + 8 + 6 + 3। यदि मैं इनको जोड़ता हूँ दोस्तों तो 17 और 8 = 25 और 34 होता है। लेकिन 34 से तो फिर 34 का अंतर आ गया, और 34 का तो कोई तरीका है नहीं। तो क्या कर सकता हूँ, किस तरह से प्रश्न लाना है? तो क्या किया, 25 से 30 लेके आना है। ये दोनों को देख लो, 5 और 4, 5 के 20, 20 घटाने पर काम चलेगा। तो ये काम कर दो, 25 को क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, दोगुना कर दूँ, और इसमें नीचे वाली जो संख्या है 5 के 20 घटा दूँ तो मेरे पास 30 आ जाता है। क्या क्या इनका सबका योग किया, 25 का डबल करके नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके घटाया है, इनका डबल करूँ दोस्तों 34 × 2 क्या कर दिया, 34 × 2 - 6 × 3 6 × 18 34 × 2 क्या होता है दोस्तों, 68 में से 18 गया तो क्या बच जाता है, 50 बच जाता है। 34 × 68 = 18 गया तो 50 बच जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ यहाँ लगा के देखते हैं, देखिए, और फिर आपका विकल्प देखेंगे कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो 10 + 21 + 6 + 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 10, 31 और 40। दोस्तों 40 को मैं 2 से गुणा कर दूँ और इसमें से 6 × 3 = 18 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, 80 - 18 = 62। ये था आपका उत्तर, क्या आएगा दोस्तों, 62 आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, काफी इंपॉर्टेंट था। बाहर वाली सभी संख्याओं का योग किया, योग करके डबल किया, और नीचे वाली दोनों संख्या का गुणा करके उसमें से घटा दिया, बीच वाली संख्या गई। बाहर वाली सभी संख्याओं का योग किया, योग करके उसका दुगुना किया, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके उसमें से घटा दिया। बाहर वाली संख्याओं का योग किया, योग करके उसका डबल किया, नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके उसमें से घटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा 62। यहाँ पर आंसर था, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर मिलते रहते हैं और दिमाग को भी आपको बिल्कुल खोल के रख देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए हमारी RBD की पुस्तक US शेखावत, जो कि 11वां संस्करण आपको मिल चुका है, बहुत से प्रश्न मिलेंगे, मैट्रिक्स का टॉपिक है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप उसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।